In the midst of death, life persists. In the midst of untruth, truth persists. In the midst of darkness, light. शहीद दिवस यानी कि एक ऐसा दिन जब पूरा देश इसकी रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान देने वाले शहीदों को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। भारत में शहीद दिवस दो दिन मनाया जाता है, पहला 30 जनवरी और दूसरी बार 23 मार्च को। हम अपनी जान की परवाह किए बगैर देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों को याद करते हैं। 30 जनवरी को महात्मा गांधी और दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जाती है, जबकि 23 मार्च को भारत की तीनों असाधारण युद्ध सेनानियों के बलिदानों को याद किया जाता है। नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बापू की पुण्यतिथि को हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। भारत की आज़ादी में गांधी जी ने बेहद अहम भूमिका निभाई थी। देश की आज़ादी के लिए गांधी जी कई बार जेल भी गए थे। गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को बापू का सीना उस वक्त छलनी कर दिया जब वे दिल्ली के बिरला भवन में शाम की प्रार्थना सभा से उठ रहे थे। गोडसे ने बापू के साथ खड़ी महिला को हटाया और अपनी सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से एक के बाद एक 3 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। महात्मा गांधी की शव यात्रा को आज़ाद भारत की सबसे बड़ी शव यात्रा कहा जाता है। गांधी जी को अंतिम विदाई देने के लिए करीब 10 लाख लोग साथ चल रहे थे और 15 लाख लोग रास्ते में खड़े थे। हर साल इस दिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और तीनों सेना के प्रमुख राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही सेना के जवान इस मौके पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके सम्मान में अपने हथियार को नीचे झुकाते हैं। इस मौके पर पूरे देश में महात्मा गांधी समेत अन्य शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखा जाता है। इस दौरान विशेष तौर पर सभी धर्म के लोग प्रार्थना का भी आयोजन कराते हैं और इसी तरह हम शहीद दिवस मनाते हैं। कालवा की उन सभी क्रांतिकारियों और देशभक्तों को नमन करता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून। जय हिंद।